हेलो जी, नमस्ते, वेलकम टू द चैनल। हम लोगों का बाली में आज दूसरा दिन है और इस व्लॉग का ये पहला दिन है, क्योंकि इसके पहले वाला आप ऑलरेडी शायद देख चुके होंगे जब ये आएगा। तो हम पहले दिन आके हमने स्टे किया बैम्बू टेल रिजॉर्ट में, और बहुत सुंदर प्रॉपर्टी, एक दिन का स्टे था हमारा वहाँ पे। अब हम यहाँ से जा रहे हैं टूवर्ड्स कूता। कूता जाने के लिए हमने ग्रैब बुक किए, क्योंकि यहाँ पे ऊबर नहीं होती, ऊबर की जैसे यहाँ पे ग्रैब है। बहुत अच्छी गाड़ियाँ, बहुत कंफर्टेबल गाड़ियाँ, बहुत अच्छे रेट पे मिल जाती है, शांति से बैठ के जा रहे हैं कूता की ओर। आज हम जहाँ स्टे करने वाले हैं उस प्रॉपर्टी का नाम है मामा का होटल, और वो भी बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है बाय द बीच। सो आज का जो हमारा प्लान है कूता में, वो बहुत ही ऐसे रिलैक्सिंग वाला टाइम है, और हम बस यहाँ से जाएंगे, चेक इन करेंगे, एंड उसके बाद हमारा स्पा का अपॉइंटमेंट है, तो हम बढ़िया स्पा लेंगे। उसके बाद शाम को एक क्लब है, कूता क्लब, वहाँ पे चिल करेंगे, और वहाँ पे बीच है, मार्केट है, क्या है आसपास, वो आपको सब कुछ दिखाएंगे कि आप कूता में अगर स्टे कर रहे हो तो कहाँ जा सकते हो जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस में, वो हम आपको दिखाएंगे। कुछ और देखने के लिए आप रुको ना रुको, बाली का मार्केट देखने के लिए ज़रूर रुकना, क्योंकि हमको कार से देख के ऐसा लग रहा है इतना सुंदर सब कुछ है कि देख के ऐसा लग रहा है वुडन का इतना अच्छा काम करते हैं लोग, स्टोन का इतना अच्छा काम करते हैं। हम आपको सब कुछ दिखाएंगे, अब हम उस बैग में कितना फिट कर पाते हैं उस हिसाब से ही लेके जाएंगे, या बैग नया लेते हैं पता नहीं। लेट्स सी। सो गाइस, हमने चेक इन कर लिया है कूता के इस होटल में। द नेम ऑफ दिस होटल इज मामाका बाय ओवोलो। यस, दिस मैन राइट हियर, एंड ये यहाँ जा रहा था, मैंने इसको रोका है अभी के लिए। मैं आपको दिखा दूँ पहले वॉशरूम, रियली नाइस बाथटब, जिसमें मैं डेफिनेटली कैंडल जला के मस्त चिल करने वाली हूँ रात को। और रूम दिखाते हैं आपको, तो ये स्वीट रूम है, जिसमें कि ये एक बार काउंटर है, और यहाँ पे कुछ फ्री ड्रिंक्स भी इन्होंने दी है कॉम्प्लीमेंट्री, क्योंकि ये स्वीट है इसलिए। एंड देयर इज अ कॉफ़ी मशीन, थोड़े फ्रूट्स हैं, एंड या दिस इज़ अ बार चेयर टेबल, और यहाँ पर है मस्त सिटिंग एरिया, एंड उसी के पीछे जस्ट है बेड। और सबसे अच्छी बात, ये होटल है बीच के एकदम सामने, देयर इज बीच राइट इन फ्रंट ऑफ दिस होटल, बस ऐसे क्रॉस करके बीच पहुंच जाओ। और क्योंकि कूता, अगर आपको नहीं पता है, कूता में लोग बेसिकली सर्फिंग के लिए आते हैं और यहाँ पे सर्फ करते हैं, क्योंकि ये जो बीच है यहाँ पे, इसकी वेव्स काफ़ी, यहाँ पे सब बड़ी बड़ी वेव्स होती है, तो यहाँ पे सर्फिंग सबसे ज़्यादा होती है, एंड स्पेशली लोग कूता बीच इसके लिए आते हैं। वैसे अगर आप सर्फिंग नहीं करते हमारी तरह, हम सोच रहे सीखने का, तो आप यहाँ पे चिल करने भी आ सकते हैं, क्योंकि देर आर सो मेनी प्लेसेस इन एंड अराउंड। और अगर आप बाली आ रहे हो एयरपोर्ट से कूता, क्योंकि बहुत नज़दीक है, तो लोग एक रात यहाँ पे रुकते ज़रूर है, ताकि यहाँ पर रुक के थोड़ा सा एयरपोर्ट से डायरेक्ट वो आगे उबूद और लंबी ड्राइव करके ना जाए, एक रात यहाँ पर स्पेंड करते हैं, थोड़ा चिल करते हैं, बाली की वाइब लेते हैं, एंड उसके बाद आगे बाली एक्सप्लोर करते हैं। तो हम यहाँ पे रुकने वाले हैं दो रातों के लिए, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी चीज़ें प्लान अप है। अभी हम स्पा के लिए जा रहे हैं, यहाँ होटल में ही स्पा हमने बुक कर लिया था, तो वो हम स्पा लेंगे। उसके बाद फिर शाम को हमारा प्लान है कि हम कूटा क्लब है यहाँ पे इस होटल का ही ऊपर, ओवरलुकिंग द बीच, तो हम वहाँ पे सनसेट इन्जॉय करेंगे, मस्त चिल करेंगे क्लब में, और उसके बाद बताते हैं आपको क्या करते हैं रात को। हम ऐसी नाइट मार्केट है यहाँ पे, तो वो थोड़ा सा वॉक करेंगे उसके अराउंड। सो दिस इज आवर प्लान फॉर द डे, लेट्स गो।
फर्स्ट वाटरफॉल जो हम विजिट कर रहे हैं उसका नाम है तिबुमाना वाटरफॉल। और क्योंकि हम कूता में थे, कूता से यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें करीबन 1.5 घंटा लग गया, और क्योंकि काफ़ी लंबी ड्राइव थी। तो अगर आप सेल्फ ड्राइव करके आ रहे हो तो आप मतलब मेक श्योर करो कि आप कुछ दिन एक एरिया में रहो, कुछ दिन एक एरिया में। आज हम जैसे वो जा रहे हैं यहाँ से, कूता से हमने चेकआउट कर लिया है, तो फर्स्ट वाटरफॉल वी विजिटिंग इज तिबुमाना। और इसके बारे में एक इंटरेस्टिंग जानकारी आपको बता दूँ तिबुमाना के बारे में, इसमें ऊपर से पानी गिरता है नीचे, और मतलब ऐसे नीचे लोग गाइस इसकी बातों को आप इग्नोर करो, ये थोड़ा सा अरे बेसिक जानकारी ऐसा है, ऐसा हो गया ओके तो चलिए चलते हैं, आपको वाटरफॉल दिखाते हैं। तो गाइस ये है तिबुमाना वाटरफॉल, हाउ ब्यूटीफुल। मतलब ऊपर तो देखो ये कवर्ड है इन द मिडल ऑफ द फॉरेस्ट एंड द ब्यूटीफुल वाटरफॉल। बढ़िया स्विम कर रहे हैं, पर हम लोगों का क्योंकि लंबा दिन है, हमको इसके बाद एक और वाटरफॉल जाना है। पानी देख के तो आजकल मेरा भी मन कर जाता है, मेरा सागर का दोनों का, कि हम स्विम करें, पर क्योंकि लंबा दिन है और भी जगह एक्सप्लोर करनी है तो हम डिप तो नहीं ले पाएंगे। और पानी फ्रेंकली बोलूँ तो इतना वैसे क्लीन जैसा नहीं दिख रहा है, बट क्योंकि जंगल के बीच में है एंड वाटरफॉल है तो ऑब्वियसली फ्लोइंग वाटर है तो इतना गंदा नहीं होगा। या तो दोस्तों हमने दोनों वाटरफॉल एक्सप्लोर कर लिए हैं, और दूसरे वाले वाटरफॉल में काफ़ी लंबी लाइन थी तो हम वो लाइन में लग के हमने पिक्चर के लिए वेट नहीं किया, हमने बस ऐसे देखा और उसके बाद हम थोड़ी देर में वापस आ गए। और उसके बाद हम गए थे लंच करने के लिए। लंच में हमने आज इंडोनेशियन स्टाइल जो होता है, एक प्लेटर जैसा होता है, मतलब जिसे हम थाली बोलते हैं वैसा प्लेटर होता है, उसमें राइस या नूडल्स अपनी चॉइस का ले सकते हो, और साथ में थोड़ा सैलेड, चटनी और इनके पापड़, मतलब ये कुछ और बोलते हैं उसको, क्रैकर, हाँ चावल के पापड़ और ये सब रहता है। तो वो हमने लंच किया, लंच वॉज गुड। और हम क्योंकि वेजिटेरियन है, मतलब हम एग्स खाते हैं बट वेजिटेरियन है वैसे हम, तो हमारे लिए थोड़ा सा ऐसे बाहर डिफिकल्ट हो जाता है, बट अब हम सीख गए ट्रैवल करते करते, तो हम लोकल खाना भी कैसे ऑर्डर करना है, क्या हमको मंगवाना है स्पेसिफिकली बोल के, वो हम वैसा ऑर्डर कर लेते हैं और हमको कोई प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि वी आर वेरी ओके विद डिफरेंट टेस्ट। क्योंकि ऑब्वियसली आप बाहर आए हो तो आप अलग अलग तरीके का उनका लोकल खाना नहीं खाओगे तब तक आपको नहीं समझ में आएगा, राइट। तो बस लंच हो गया है, अब हम जा रहे हैं बाली स्विंग जो कि काफ़ी फेमस स्पॉट है। इसको इसमें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि इसमें लड़कियाँ ही ऐसे लहराने वाले कपड़े पहन के फ़ोटो वोटो खिंचाती है, तो मैं थोड़ा सा एक्साइटेड हूँ बट देखते यार, ज़्यादा भीड़ नहीं होनी चाहिए तो फिर ठीक है, अगर बहुत ऐसे क्राउड हुआ लंबी लाइन वाइन लगी रहेगी तो लेट्स सी। चलते हैं आपको भी साथ में लेकर, लेट्स गो। मेरे को बताने की भी ज़रूरत नहीं है कि हम कहाँ हैं, सिर्फ देख लो आपको पता चल जाएगा। ये देखो, ये देखो,